अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ शकीला सफ़र और मेरे चैनल का नाम है शकीला मैथ एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ लॉज जो है वो एक्सपोनेंट्स के वो पढ़े थे, उन्हीं को हम यूज़ करते हुए, फॉलो करते हुए हम इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल्स है और ये सेकंड एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये है हमारे पास एक्स पावर माइनस टू, एक्स की माइनस थ्री, वाई की पावर सेवन ओवर एक्स माइनस थ्री वाई फोर। तो हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? इसका तरीका बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एक्स वाले हैं उनको हम अलग कर लेंगे, एक्स की पावर को। पावर जब हम ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं सारी पावर्स, ठीक है, तो पावर्स को हम जब कोई बेस मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर्स को हम जमा कर देते हैं, ठीक है, उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो हम एक्स की पावर्स को ऐड कर देंगे। वाई की सेवन ओवर एक्स की पावर माइनस थ्री वाई फोर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक्स माइनस टू माइनस थ्री वाई सेवन ओवर एक्स की पावर माइनस थ्री वाई की पावर फोर। अब यहाँ पे माइनस टू और माइनस थ्री यहाँ पे इकट्ठा आ रहा है, तो माइनस टू और माइनस थ्री का आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या आता है, एक्स की पावर माइनस फाइव हो जाएगी। थ्री और टू को ऐड करेंगे तो वो फाइव हो गया जी, और अलामत माइनस की आ जाएगी। उसके बाद वाई की पावर सेवन एज इट इज़ ओवर एक्स की पावर माइनस थ्री वाई की पावर फोर। तो यहाँ तक तो हमने इसको हल कर लिया। अब हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए, उसके लिए हम नीचे और ऊपर जो एक्स की पावर्स आ रही हैं उनको भी हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, और वाई की पावर्स को भी इकट्ठा कर लेंगे। तो जब हम कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रैक्शन में कोई पावर आ रही है, तो नीचे वाले जितने भी बेस होते हैं उनकी पावर्स ऊपर ले जा के हम सेम वेरिएबल के साथ माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस फाइव है और नीचे एक्स की पावर माइनस थ्री है, ऊपर जाके हम इसको माइनस माइनस थ्री कर देंगे, और वाई की पावर सेवन है और नीचे वाई की पावर फोर है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्स की पावर माइनस फाइव ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री वाई की पावर सेवन माइनस फोर इज इक्वल टू थ्री। तो इसका आंसर क्या आता है, एक्स की पावर माइनस फाइव प्लस थ्री का आंसर है माइनस टू वाई की पावर थ्री। तो अगर हम इसको यहाँ तक भी करेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ऐसे लिख सकते हैं कि वाई की पावर हमारे पास पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऊपर आएगी, और नीचे एक्स की पावर नेगेटिव है तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो एक्स जो है इसकी पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ऊपर लिखी थी ये वाली, फोर ए क्यूब बी ज़ीरो ओवर नाइन ए की पावर माइनस फाइव होल पावर माइनस टू। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन, फोर ए की पावर थ्री बी की पावर ज़ीरो ओवर नाइन ए की पावर माइनस फाइव की पावर टू। इसका हल करते हैं। अच्छा, फोर ए की पावर थ्री तो हम एज इट इज़ लिख दें, बी की पावर ज़ीरो की जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये वन के इक्वल है, क्योंकि हमने एक
एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है जिसमें हम ए की पावर ज़ीरो होती है तो वो वन के इक्वल आती है, ठीक है। यानी किसी भी बेस की पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो हमेशा वन के इक्वल आ सकती है। ओवर नाइन ए की पावर माइनस फाइव होल पावर माइनस टू। इसके बाद फोर ए की पावर थ्री, यहाँ पे नीचे भी ए की पावर माइनस फाइव है, ऊपर ए की पावर थ्री है, तो नीचे वाली पावर जो है ना ऊपर जाके हम इसमें मर्ज कर देंगे, या नीचे की कोई पावर हम ऊपर लेके जाते हैं फ्रैक्शन में तो वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए की पावर थ्री माइनस माइनस फाइव। बेस को हम ए की बार लिखते हैं, हम दोबारा से इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। और साथ में वन मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर नाइन ए की पावर, सॉरी यहाँ पे नाइन सिर्फ आएगा, ए नहीं आएगा क्योंकि इसकी पावर को हम यहाँ पे ऊपर लेके चले गए, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे फोर ए क्यूब माइनस माइनस प्लस फाइव, और वन साथ मल्टीप्लाई होकर ये सेम एवस ही आ जाएगा, और नीचे आ गया नाइन, यहाँ पे इसकी पावर माइनस टू है, इस पूरे की पावर माइनस टू है। यहाँ पे हम लिखेंगे फोर ए की पावर थ्री प्लस फाइव इज़ इक्वल टू एट ओवर नाइन इसकी पावर माइनस टू। तो जिसकी पावर अगर माइनस टू होती है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये नाइन जो है वो ऊपर आ जाएगा और फोर ए की पावर एट नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर प्लस टू हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी पावर को ओपन कर लेते हैं, नाइन की पावर टू है ओवर फोर ए की पावर एट, इसकी पावर भी टू है। नाइन की पावर, नाइन का स्क्वायर 81 के इक्वल होता है, नाइन नाइन जो 81 ओवर फोर का स्क्वायर लेते हैं तो वो 16 आता है। ए पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और दो 16 हो गए। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल लॉज के बारे में दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया है, एक ये वाली और एक ये वाली। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो की बहुत अच्छी से समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी अगली एक्सरसाइज जो है 2.4 वो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।